हमें फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट अप टू टू डेसिमल प्लेस तक। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 6.4 है, इसको मैंने अंडर रूट में साइन भी लिखना है और उसके बाद का ये पैटर्न बनाएंगे। और फिर इसके बाद हमने अब करना है कि पहले हमारे पास 6 है, इसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो 6 करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर हमने इधर लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 लिखती हूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 1 है, जो कि इससे लेस है। अगर 2 और 2 लिखते हैं तो वो हो जाएगा 4, वो भी लेस है। और अगर 3 लिखेंगे तो 3 × 3 = 9, वो ग्रेटर है, तो इसलिए हम 2 यहाँ में लिखूँगी और 2 इधर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4, उसको नीचे लिखेंगे और टेक अवे करेंगे, और 6 टेक अवे 4 जो होता है वो 2 होता है। अब डेसिमल लगा दिया। अब ये 4 एक नंबर है तो इसको हम 1 नहीं लिखेंगे, इसके लिए 1 मोर हम 0 इसमें ऐड करेंगे और फिर उन दोनों नंबर्स को यहाँ पे नीचे लिख देंगे इस साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 0। अब यहाँ पे जो 2 था उसका डबल नंबर हमने यहाँ लिखना था, 2 है तो इसका मतलब यहाँ हम 4 लिखेंगे। उसके बाद अब हमने 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी और जो नंबर भी यहाँ पे लिखूँगी वही नंबर नीचे भी होएगा। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करती हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 लिखा है और इधर भी 5 करूँगी और इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 जो होता है वो 25 है, इसलिए 5 इधर और 2 इधर आ जाएगा। 5 × 4 इस जो होता है वो 20 और उसमें 2 ऐड किया तो 22 आ जाएगा। अभी देखिए ये नंबर जो है वो इस नंबर से स्मॉल है, तो इसलिए अब हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई 6 से करके देख लेते हैं। तो इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 6 जो होता है वो 36 होता है और 3 इधर आ जाएगा, और 6 × 4 = 24 होता है और उसमें 3 ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 27। अब ये देखें इसमें ये नंबर जो है ये बड़ा हो गया। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, इधर और इधर भी डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्योंकि ये बड़ा नंबर था इसलिए हमें 5 वाला नंबर जो है वो लेस था, इसलिए 5 अब हम यहाँ पे लिखेंगे और 5 भी इधर लिख देंगे और 225 जो है वो नीचे लिखेंगे और डेसिमल जो है वो डेसिमल की जगह पे ही नीचे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 25 आ जाएगा। अब इसको टेक अवे करेंगे तो ये 0 टेक अवे 5 नहीं हो सकता, इसलिए इसको 10 करेंगे और इधर से हमने दिया तो ये 3 हो जाएगा। तो 10 टेक अवे 5 जो होता है वो 5 हो जाएगा और 3 टेक अवे 2 जो होता है वो 1, और डेसिमल लगाएंगे और 2 टेक अवे 2 इस 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 2.5 है, इसी को हमने 2.5 को दोबारा लिख के ऐड कर देंगे, यानी कि इसका डबल लिखना होता है। तो 5 × 5 जो होता है वो 10 होता है, इसलिए डेसिमल आएगा 7 और 1 इधर, 2 और 2 = 4 और उसमें 1 ऐड किया तो 5, ये हो गया 5.0। अब हमने यहाँ पे 5.0 ही लिखेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, हमेशा 2 0 ही हम इसमें अब लगाएंगे, एक एक 0 नहीं लगा सकते, और फिर इनको हमने यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 5.0 है इसको हम लिखेंगे 5 और 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पे कोई नंबर हम करेंगे जो कि इसके क्लोजर, जैसे हम 2 के साथ में इधर लिखूँगी 2 और इधर भी 2 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 जो होता है वो 4 और 2 × 0 = 0 और 5 × 2 = 10। ये नंबर इसके क्लोज है लेकिन इसको 3 से भी चेक करके देख लेते हैं। 5 0 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0, 5 × 3 = 15। अब ये देखें ये नंबर जो है ये हमारे पास इससे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये 1509 और ये 1520 हैं जस्ट, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम 2 वाला लिखेंगे। तो इधर भी 2 लिख देंगे पहले और फिर इधर भी 2 लिखा पहले। ठीक है, और ये जो नंबर था हमारे पास 1004 वो हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिट वाले नंबर से। तो यहाँ पर 4 पहले आएगा, फिर 001 डॉट लगा के फिर 0 भी लगाएंगे और इसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि इसको टेक अवे किया तो यहाँ से इसको 0 करने के लिए 4 इधर रह जाएगा और ये इसको 1 नंबर दिया ये 10 हो जाएगा, इधर चला गया और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 9 रह जाएंगे। तो अब 10 टेक अवे 4 किया तो 6 आ जाएगा, और 9 था, 9 टेक अवे 0 = 9, और फिर 4 टेक अवे 0 = 4, 1 टेक अवे 1 = 0 डेसिमल, और फिर 0 लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना था, ये 2 डेसिमल प्लेस हो गया है, लेकिन हम इसको 1 मोर नंबर कर लेंगे। इसके लिए फिर हमने पास जो 2.52 है इसको दोबारा से 2.52 प्लस करेंगे अगेन 2.52 के साथ। तो 2 और 2 = 4 होता है, 5 × 5 = 10 डेसिमल लगाया और 1 इधर, 2 और 2 = 4 और 5.04 है, इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे अब 5.04। अब फिर से हम और यहाँ पे अब इसको और एक्सटेंड करने के लिए फिर 0 और 0 = 2 लगाएंगे। अब ये जो 0 हैं अब हम यहाँ लगा देंगे 0 और 0। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने देखना है कि ये जो नंबर है 504 वाला
504 लिखेंगे और फिर इसको हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 5 कर लेते हैं तो 5 और 5 इधर लिखेंगे और फिर इसको चेक किया तो 5 और टाइम 5 इज़ 25 होता है, इसलिए 5 इधर 2 इधर, 5 टाइम 4 इज़ 20 और उसमें 2 ऐड किया 22 एंड देन 5 टाइम 5 इज़ 25। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब बस जस्ट देखें कितने ये नंबर थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये इसका जो 5 वाला नंबर 4 है और इसका 2 है तो ये बहुत ही लेस है, तो इसलिए अब हम कोई बिग नंबर देख लेते हैं। सपोज़ हम करते हैं 504, 9 से करके देख लेते हैं क्योंकि 9 से ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, इसलिए मैंने 9 लिया। 9 टाइम 9 जो होता है वो 81 होता है, इधर 1 हो जाएगा और 8, 9 टाइम 4 जो होता है वो 36 होता है, इसको फिर हम इसमें 8 ऐड करेंगे, ये हो गया 4, 44 होता है, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 टाइम 0 इज़ 0, इसमें 4 ऐड किया तो फिर 4 एंड 9 टाइम 5 इज़ 45। अब ये देखें ये 4 और 4 सेम है, इसका मतलब ये 45 और ये 40 नहीं, बस इतना ही बहुत होता है देखने के लिए, क्योंकि ये भी 5 नंबर है और ये भी 1 2 3 4 5 है, तो ये अब देखिए ये इसके क्लोजेस्ट है क्योंकि 9 के बाद 10 है वो हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इधर हम 9 लगा देंगे और फिर इधर भी 9 लगा दिया और फिर ये नंबर जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से 1 4 4 5 4 और उसके बाद हमारे पास में 0 डॉट, उसमें 0 भी लगाएंगे। अब इसको हम टेक अवे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 5 हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और इधर 1 लगाया तो 10, सो 10 टेक अवे 1 इज़ 9, 9 टेक अवे 4 इज़ 5, इसको हम टेक अवे कर रहे हैं तो फिर 5 टेक अवे 4 इज़ हमारे पास 1 आ जाएगा, 9 टेक अवे 5 इज़ 4 और उसके बाद 4 टेक अवे 4 इज़ 0 0 एंड देन 0, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब ये देखिए हमारे पास है 2.529 है क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस लेना है, यानी कि मैं इधर आपको देख के दिखाती हूँ, ये हमारे पास एक्चुअली जो नंबर आया तो इसको 2 डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल के बाद 1 2 काउंट किया और ये नंबर देखा, ये नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 5 है या फिर 5 होना चाहिए या 4 से ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब है हमने यहाँ पर एक नंबर ऐड कर देंगे, यानी कि इसको हम कह देंगे 2.53 कह देंगे। अगर ये लेस दैन 5 होता तो फिर हमने 2 ही लिखना था, तो इसलिए इसका आंसर जो है 164 जो हमने लिखा है, इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो इसमें इक्वल का साइन होता है, इसके ऊपर एक ऐसे करके साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेटली जो है इसका आंसर जो है वो आएगा 2.53 इसको करेंगे।